निधि, तुम जो शौर्य से बातें कर रही थी वो सब कुछ मैंने सुन लिया। आई नो, मैं जानती हूं तुम बहुत खुश हो रही हो ना कि शौर्य ने तुमसे कहा कि वो अपनी सगी माँ से ज्यादा तुमसे प्यार करता है, प्रीता से ज्यादा तुमसे प्यार करता है। लेकिन तुमने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि तुम शौर्य से कहो कि जन्म देने वाली माँ भी माँ होती है। नो, मैंने प्रीता ने शौर्य को अपने कोख में रखा, उसके छोड़ने के पीछे कोई वजह तो होगी, कोई कारण होगा, कोई मजबूरी होगी। जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे को यूं ही तो नहीं छोड़ देती। या तो वो माँ अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती, या फिर वो माँ खुद ही जिंदगी में नहीं होती है। हमारे प्रीता के साथ भी यही हुआ नीति। प्रीता जिंदगी में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है मेरी प्रीता। इसलिए तो शौर्य अकेला पड़ गया ना। तुमने शौर्य को पाला है, तुम उनसे बहुत प्यार करती हो, तो उसे समझाओ ना। तुम जानती हो ना, शौर्य सिर्फ तुम्हारी सुनता है, तुम्हारी बात मानता है, तो समझाने का फर्ज भी तुम्हारा ही बनता है ना बेटा। Once and for all, ना, हम बहुत क्लियरली बात करते हैं आज। क्लियरली बात करते हैं कि आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? और इससे भी बड़ी बात ये करते हैं कि आपको इतनी जल्दी से क्यों फील होती है अगर शौर्य मुझे माँ कहता है तो? क्यों इतनी तकलीफ होती है ये जानकर कि शौर्य सिर्फ मेरी बात सुनता है, कि वो मेरा बेटा है? क्यों क्यों इतनी जलस फील करती हैं? निधि, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो। तुम्हें क्या लगता है, शौर्य तुमसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि तुम उसकी जिंदगी सवार रही हो? नहीं, वो तुमसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि तुम उसकी हर बात में हाँ से हाँ मिलाती हो। वो चाहे फिर सही करे या गलत करे, जो कुछ भी करे, उसे पता है उसकी माँ उसको सपोर्ट करेगी, इसलिए तुमसे प्यार करता है। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।